जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज हम लोग इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, समझेंगे विस्तार से इस स्टॉक को, जानेंगे स्टॉक कैसा है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, किसी व्यक्ति का पहले से इन्वेस्टमेंट है तो उसकी आगे की रणनीति अब क्या होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक में देखेंगे तो तेजी आने लगा है। एक दिन की तेजी की मैं बात करूं तो केवल 1.5% के आसपास स्टॉक आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में चढ़ते हुए दिखा है और चार्ट पर भी कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं। मैं आपको इस कंपनी का जो चार्ट है स्क्रीनर की वेबसाइट पर चार्ट भी दिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कि क्या इसमें मूवमेंट आ रहा है, जिसके बदौलत ये वीडियो बनाना जरूरी था। पहले मैं रिटर्न्स दिखा दूं। एक दिन का जैसे मैंने यहाँ पर रिटर्न दिखाया, तकरीबन 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 6 मंथ में स्टॉक तकरीबन 11.5% के आसपास रिटर्न निकाल कर दिया है। हालांकि इतने अच्छे रिटर्न कोई 6 मंथ में बहुत बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इस तरीके से मोमेंट रहा है इस स्टॉक में और इस ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ये ठीक है। एक साल का रिटर्न देखेंगे तो एक साल में भी तकरीबन 44% के आसपास रिटर्न आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बढ़िया है। एक साल में 44% रिटर्न कुछ कम नहीं होता आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो ये रिटर्न की बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के, जैसे मैंने बताया कि चार्ट पर समझते हैं कि चार्ट इस स्टॉक का कैसे दिखता है और इस पर क्या मोमेंट आ रहा है, जिसकी बदौलत मैंने बताया कि आपको ये वीडियो बनाना और समझाना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल्स को स्क्रीनर की वेबसाइट पर। वेबसाइट पे यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को ओपन कर दिया है। देखिए बाकी चीजों को बाद में समझेंगे, फंडामेंटल या हो गया ये कहे कंपनी के जो कामधाम हो गया ये तो चीजें मायने रखती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यदि किसी कंपनी के शेयर के प्राइस को मूवमेंट कराता है, प्राइस को ऊपर या नीचे लेके जाता है, वो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर होता है। टेक्निकल एनालिसिस कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ चार्ट से होता है। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं एक साल के चार्ट पे। एक साल के चार्ट पे देखिए प्राइस अभी इस रेंज में आपको ट्रेड करते हुए नजर आ रहा था कुछ दिन पहले तक, 60 पैसा से लेके 80 पैसा के बीच में। लेकिन अभी क्या हुआ कि देखेंगे इस रेंज बाउंड को ब्रेक करके प्राइस ऊपर आ गया। मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताता भी हूँ कि जब भी प्राइस रेंज बाउंड से बाहर निकलता है, किसी भी कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है, तो प्राइस ऊपर जाता है। प्राइस ऊपर गया, अब इस रेंज से देखिए प्राइस ऊपर निकल के इस रेंज में आ गया है, यानी कि एक स्टेप ऊपर बढ़ गया है। देखेंगे आप पहले जहां इस कंपनी का शेयर प्राइस 60 पैसा से लेके 80 पैसा के बीच में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा था, अब ये प्राइस 80 पैसा से लेके 1 रुपए के बीच में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा था, यानी कि इस रेंज से बाहर निकल के एक स्टेप ऊपर जाके इस रेंज में अब इसका प्राइस ट्रेड करने लगा है। तो ये मूवमेंट चार्ट पे आते हुए दिखा है और ये कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर प्राइस में भी दिख रहा है। जैसे मैंने बताया कि एक दिन का रिटर्न आपने वहां पे देखा, एक दिन में तकरीबन 1.5% के आसपास स्टॉक आपको चढ़ते हुए दिखा है। तो ये तेजी की बात हो गई, तेजी आ रही है तब चार्ट में मोमेंट बन रहा है। और तेजी क्यों आ रही है, क्योंकि स्टॉक में बहुत बड़े बड़े बल्क डील हो रहे हैं। बल्क डील क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कंपनी का एक तो जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है उसमें मजबूती आ रही है, उस सेक्टर में गवर्नमेंट का भी साथ है, और किसी भी सेक्टर में जब गवर्नमेंट का साथ होता है तो लॉन्ग टर्म में उसमें तेजी आती ही आती है। तो और ये चूंकि पेने स्टॉक है, दमखा में स्टॉक का फंडामेंटल काफी बढ़िया है, तो जाहिर सी बात है इसमें बल्क डील होगी, लोगों का इसमें भरोसा बढ़ेगा, शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। अब क्या हो सकता है कि अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस अपने सपोर्ट के पास ठहरा हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इसका जो प्राइस है इस रेंज बाउंड से ऊपर निकलेगा, यानी कि ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस देख रहे हैं इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाएगा। बहुत दिनों तक किसी कंपनी का शेयर प्राइस एक ही रेंज बाउंड में नहीं रहता है। तो जो नया व्यक्ति अभी इसमें बाई नहीं किए हैं इस कंपनी के शेयर, अगर बाई करना चाहते हैं तो इस लेवल पर, यानी कि 1 रुपए से जैसे ऊपर निकले यहाँ पे बाई कर लीजिएगा, आपको इजिली इसके डबल, यानी कि ये जो आप हाई देख रहे हैं इसके डबल जाने का स्टॉक दमखम रखता है। इसके डबल की बात करें तो यहाँ पे ये जो आप हाई देख रहे हैं ये हाई है तकरीबन 1.40 रुपए, और अगर डबल की बात करें तो तकरीबन आप 3 रुपए तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो बेसिक इसमें बने रहिए। एवरेजिंग करना चाहते हैं तो एवरेजिंग करने के लिए ये जोन आपके पास अच्छा था, हालांकि अभी भी सपोर्ट के पास ही है, चाहे तो थोड़े बहुत एवरेजिंग कर सकते हैं, थोड़ा प्राइस को और ऊपर उठने दीजिए, 90 पैसा से लेकर 1 रुपए के बीच में जाने दीजिए, वहां पे आप इसमें चाहें तो जिसके पास पहले से शेयर से वो एवरेजिंग कर सकता है, बाकी 1 रुपए से ऊपर निकले तो नए व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी यदि मैं फंडामेंटल की बात करूं तो इस कंपनी का फंडामेंटल जबरदस्त है। प्रथम क्वार्टर का जो रिजल्ट है जून क्वार्टर का, उसमें जबरदस्त सेल्स हुए कंपनी के, 3 करोड़ के आसपास सेल्स हुए हैं, और कंपनी का प्रॉफिट भी तकरीबन 2.5 करोड़ का आसपास हुआ है। और प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ कंपनी का यदि हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल्स में यदि चार्ट की हम बात करें तो चार्ट तो आपने देखा है, चार्ट पर मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। चार्ट के अलावा यदि हम कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो जो जून क्वार्टर रिजल्ट आए हैं उस जून क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किए हैं, जिससे कंपनी का फंडामेंटल भी मजबूत है, और पहले से भी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो मजबूत है, प्लस जो कंपनी काम करती है काम तमाम काफी बढ़िया है। एक अच्छी चीज और है, कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, इनकी भी हिस्सेदारी तकरीबन 2% के आसपास है, और बाकी पब्लिक हिस्सेदारी यानी कि थोड़े बहुत इसमें प्रमोटर्स भी हैं, तो और भरोसा हमारा बढ़ जाता है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर। तो जो मैंने लेवल बताया है उस लेवल का विशेष ध्यान रखिएगा, सेल करने के बारे में अभी इसको नहीं सोचना, अभी आप अपने पास स्टॉक है तो होल्ड कीजिए। बाकी इस रिलेटेड मन में कोई सवाल है कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।